दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार एमएससी नोट से आपके लिए एक बार फिर से एवरेज की सेकंड क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम कराने की कोशिश करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका, 16 बच्चों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यानी कि 16 बच्चे जो है उनका औसत भार क्या है, एवरेज वेट कितना है 40 किलो। 16 बच्चे जो है उनका एवरेज वेट कितना है आपका 40 किलो है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक बच्चा जिसका भार 55 किलोग्राम है, एक बच्चा जिसका भार है, कोई एक बच्चा है जिसका वेट कितना है 55 किलो है ना, वो क्या करता है, चला गया, तो शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये है। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप बेसिक मेथड देखिए, फिर ट्रिकी मेथड देखते हैं, दोनों मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 16 बच्चे हैं जिनका औसत भार कितना है 40 किलो, तो 16 16 इंटू कितना हो जाएगा आपका 40, तो कितना हो गया आपका 640, ठीक है। उसमें से क्या हो गया कि 55 किलोग्राम का एक बच्चा जो है क्या हो गया, चला गया, तो 640 में से कितना माइनस कर देंगे 55 किलो का एक बच्चा, जो टोटल औसत भार कितना है, एवरेज वेट कितना है आपका 640 किलो है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इन दोनों में से कितना माइनस कर देंगे, उसमें से 55 किलो का एक बच्चा चला गया, तो कितना बचा आपका, आप इसको माइनस कर देंगे 585, ठीक है। जब एक बच्चा चला जा रहा है तो उसमें से बच्चे कितने बचे आपके, 15 बचे, तो डिवाइड कर देंगे इससे, 15 से कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका 39 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। एक बार फिर समझ लीजिए, 16 बच्चे हैं जिनका 16 बच्चे जिनका औसत भार यानी कि एवरेज वेट कितना है 40 किलो है, तो कितना हो गया आपका 640 हो गया। अब उसमें से कह दिया गया कि एक बच्चा जो 55 किलो का था वो उसमें से चला गया है, तो चला गया है तो कितना हो गया आपका माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना आपका 585 बचे। अब उसमें से एक बच्चा चला गया था यानी कि टोटल एवरेज कितने का, 15 बच्चों को निकलेगा, तो 15 बच्चों को निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 39, यानी कि ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा 39, ठीक है। अब ट्रिकी मेथड देखते हैं आपका, तो औसत भार कितना है आपका 40 किलो है, ठीक है, 40 किलो है। उसमें से क्या कर रहा है, 40 किलो में से उसमें से एक बच्चा जो है, इसको ऐसे निकालेंगे, एक बच्चा क्या करा चला रहा है 55 किलो का चला जा रहा है, ठीक है। तो कितने बच्चों का वेट निकालना है आपको, 15 बच्चों का, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे, 40 ये कितना बचेगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका प्लस, और ये कितना हो गया आपका 40 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 15 अपॉन 15, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, और ये कितना बचेगा 1, तो 40 माइनस 1 कितना बचेगा आपका 39, ये तो आपका सीधा सीधा आपका इससे आज आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है आपका ये आंसर, दोनों मेथड आप देख लीजिए, दोनों मेथड से आपका 39 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत कितना है, 42 है, 42 है, यदि अगली पारी में वह 84 रन बनाकर आउट हुआ तो उसका नया औसत क्या हुआ। ये क्वेश्चन क्रिकेट पे आते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक बल्लेबाज जिसका 20 पारियों का औसत, तो 20 पारियों का औसत कितना है आपका 42 है, तो कितना हो गया टोटल, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया आपका 840 हो गया, यही हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अगली पारी में यानी कि 21वीं पारी में कितना रन बना के आउट हो गया आपका 84 रन बनाकर, 84 रन बनाकर आउट हो गया, तो 84 रन बना के आउट हुआ तो कितना बचा आपका 924, तो उसका क्या कह रहा है ये नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, 20 पारियां थी आपकी, 21वीं पारी में क्या हुआ वो 84 रन बनाया और आउट हो गया, तो कितने पारियों का नया औसत निकाला, तो 21 पारियों को निकाल लीजिए, कितना बचेगा आपका, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे फोर टाइम्स और ये फोर टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया आपका 44, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 20 पारियों का औसत 42 है यानी कि 20 पारी है जिनका एवरेज कितना है 42, तो 20 इंटू 42 क्या हुआ 840, अगली पारी यानी कि 21 पारी में कितना रन बना के आउट हो गया 84 रन बना के आउट हो गया, 84 रन बना के आउट, तो टोटल कितना होगा 924, उसके बाद डिवाइड बाई कितना करेंगे आपका 21, तो ये क्या आ जाएगा आपका 44 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि उसका जो नया एवरेज है वो कितना है आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिकी मेथड देख लेते हैं आपका, सबसे पहले उसका एवरेज देख लेते कितना है 42 था, ठीक है, 20 पारियों का औसत कितना था 42, ठीक है, प्लस क्या करेंगे इसको ऐसे निकालेंगे, कितना है आपका रन बनाकर कितना आउट हुआ 84 रन बनाकर आउट हुआ, ठीक है, तो उसका औसत कितना हो गया ये हो गया, माइनस कर देंगे 42 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 21वीं पारी की बात हो रही है तो डिवाइड बाई 21, ठीक है, तो 42 प्लस इसको आप कर दीजिए कितना हो गया आपका 2 एंड 4,
ठीक है, तो 21 तो 2 हो गया, तो ये 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 44। ये दोनों क्वेश्चन आप इसको ट्रिकी मेथड से भी देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी देख लीजिए, दोनों में से आपको जो भी आसान लगे या जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक मेथड में क्या रहेगा कि आपका कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं और आप उसको गलत नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन है अगला, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका तीन संख्याओं का औसत आप 6 है, ठीक है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत भी 6 है तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, 6, 8, 5 और 10। क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देख लीजिए। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्या है, पहली फर्स्ट कोई तीन नंबर है तो तीन संख्याओं का औसत कितना है 6 है, तो तीन कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत भी कितना है आपका 6 है, तो कितना हो गया, दो संख्याओं का औसत कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तो क्या हो गया आंसर, कितना रहा है आपका 6 आ रहा है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पाँच बच्चों की आयु, पांच बच्चों की मतलब एवरेज आयु या औसत आयु 14 वर्ष है, तो एक नए बच्चे के आ जाने से 13 वर्ष जो है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तो नए बच्चे की हमको आयु निकालनी है। एक क्वेश्चन फिर देख लीजिए इस तरह का, बताते हैं आपको इस क्वेश्चन होगा, आपके चार ऑप्शन है, आप इसको करके देखिए। पाँच बच्चे हैं जिनकी औसत आयु, तो पाँच बच्चे जिनकी औसत आयु 14, तो कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। एक नए बच्चे के आ जाने से आयु कितनी रह जाती है, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है आपकी 13 वर्ष रह जाती है, ठीक है। एक बच्चा है जो आपका नया बढ़ गया है, तो एक बच्चा आपका कितना हो गया 6 हो गया, तो औसत आयु कितनी हो गई आपकी 78, ठीक है। यही चीज़ है आपका, अब क्या रहा है कि नए बच्चे की आयु निकालनी, तो नया बच्चा कितना, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना हो गया आपका 8 वर्ष हो गया। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आते तो आप इसको कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं हमारे हिसाब से, आप लोग अगर चाहें तो इसको अच्छे से कर लेंगे। एक अगला क्वेश्चन है जो आपका आते ही आता है, औसत चाल और औसत दूरी। औसत चाल का फॉर्मूला तो आपको सबको पता है, औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, एक मोटर कार 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, एक मोटर कार है जो 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में और अगले 260 किलोमीटर की यात्रा भी 5 घंटे में पूरी करती है, मोटर की औसत चाल ज्ञात करो। चार ऑप्शन आपके ए बी सी डी, आपको देखना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो औसत चाल बराबर होता क्या है आपका, औसत दूरी बटे औसत समय। तो क्वेश्चंस क्या है आपका देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं दूरी कितनी है आपके, 240 किलोमीटर है पहले की, और दूसरी कितनी है 260 है, तो कितना हो गया आपका टोटल देख लीजिए 500 हो गया, ठीक है। 500 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, एक मोटर कार है, दो गाड़ियाँ हैं, एक 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करती है और दूसरी कर रही 260 किलोमीटर की यात्रा भी 5 घंटे में पूरी करती है, तो 260 किलोमीटर की तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, टाइम कितना दोनों का बराबर है, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपको औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला तो आपको पता ही, औसत दूरी बटे औसत समय, तो औसत चाल कितनी थी 500 थी, और ये कितना था औसत दूरी, ये औसत दूरी कितनी है 500, औसत समय कितना है आपका, इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए 50 आ रहा है, तो औसत चाल बराबर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गावस्कर ने 5 इनिंग खेलकर कुल 275 रन या 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 इनिंग खेलकर 208 रन बनाए, बताओ किसका औसत क्या था अच्छा था। तो हमें क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए, गावस्कर ने 5 इनिंग खेलकर, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज़रूरत नहीं है पेन कॉपी पेन यूज़ करने की, 5 इनिंग का औसत आप लोग मैच देखते तो ज़रूर निकाल लेंगे, 5 इनिंग का औसत कितना है 270/5/5, तो कितना बचेगा आपका 55 है, यानी कि गावस्कर का औसत कितना है 55, एंड उसके बाद कह रहा है कि 4 इनिंग खेलकर 208 रन बनाए, किसने, विश्वनाथ ने, तो 208 से क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किया 208 को, तो कितना बचा 52, यानी कि किसका एवरेज अच्छा है, गावस्कर का, गावस्कर कितना है 55 एवरेज अच्छा है और उनका एवरेज कितना है 55, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आप समझ देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि बी ऑप्शन सही है गावस्कर। अगला क्वेश्चन है आपका,
सात लड़कों की औसत आयु कितनी है आपकी? 10 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु क्या हो जा रही है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सात लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो टोटल आयु तो आपको पता चल गया होगा, सात लड़कों की 10 कितना हो गया? 70 हो गया, सीधा सा पता है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 हो गए लोग, अब उसमें से कितना आयु बढ़ जा रही है? 2 वर्ष बढ़ जा रही है। तो 10 थी तो कितना हो गया? 96 हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा अध्यापक की आयु आपको क्या करनी है? निकालनी है, ठीक है। आप इसको माइनस कर दो 6 एंड ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कक्षा अध्यापक की आयु या एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक कक्षा अध्यापक के 30 बच्चों की आयु औसत आयु 10 वर्ष है, यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, यानी कि कक्षा अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, तो औसत आयु क्या हो जा रही है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। 4 आपके ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 41, 40, 39, 42। तो 11 क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं इसको। 30 बच्चों की औसत आयु, इसको आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? 30 बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई आपकी? 300 हो गई, ठीक है। तो 30 बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष है तो कितनी हो गई आपकी? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 300 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, तो कितना हो गया आपका? 31 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि औसत आयु कितनी हो रही है? 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कितनी हो गई है आपकी? 11 हो गई है। तो 11 हो गई तो इसका कितना हो जाएगा? 31 और ये 4, और इन दोनों को क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 41 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जितने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताएंगे जो आपको आपके एग्जाम में आते आते हैं। तो सबसे पहला अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 यानी 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत कितना है? 39 है। मतलब जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका जो औसत है 39, और अनुत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत कितना है आपका? 15 है, यानी कि 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है आपका ये, किसी परीक्षार्थियों में 120 प्रत्याशी, यानी कि 120 प्राप्त अंकों का औसत कितना है आपका? 35 है। तो 120 प्रत्याशी हैं, 120 प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा अंकों का प्राप्त औसत कितना है? 35, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, उत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत 39, यानी उत्तीर्ण प्रत्याशी कितने होंगे आपके? x मान लेंगे, तो आप क्या करेंगे? x लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, किसी परीक्षार्थियों में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है आपका? 35 है, ठीक है। 35 है, यानी कि 120 गुणे 35, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत कितना है? 39। उत्तीर्ण प्रत्याशी कुछ पता नहीं तो कितना मान लेंगे? x। तो कितना है आपका? 39। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, और अनुत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत कितना है आपका? 15 है, यानी कि टोटल प्रत्याशी कितने थे आपके? 120, यानी कि अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120 माइनस एक्स, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा? 120 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका? 15, ठीक है। कहने का मतलब है कि परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि 120 प्रत्याशी द्वारा 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत कितना है? 39 है। तो उत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा कितना होगा? एक्स का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 39 में। और अनुत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा, यानी कि जो उत्तीर्ण प्रत्याशी, टोटल प्रत्याशी कितने थे आपके? x। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 120 माइनस एक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका? इसको जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका? 4200, ठीक है। ये आपका इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 4200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 39x प्लस कितना हो जाएगा आपका? 1800 माइनस 15x, ठीक है। जब इसको इसमें ले आएंगे तो कितना बचेगा आपका?
2400 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 ठीक है, सॉरी 2424x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी था, 120 प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, जिनका अंकों का औसत कितना है 35 है, तो 120 × 35, ये काम तो पहले कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का, उत्तीर्ण कितने हैं पता नहीं, तो हम कितना मान लेंगे x, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 39, क्योंकि उसका औसत कितना है 39 है, और अनुत्तीर्ण प्रत्याशी द्वारा अंकों का औसत कितना है आपका 29, मतलब 120 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे आपका 15 से। जब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है क्रिकेट रिलेटेड है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है, कोई टीम है जिसके 12 खिलाड़ियों का औसत क्या है आपका 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु क्या हो जा रही है, एक वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु है, तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए क्वेश्चन, 12 खिलाड़ियों का औसत है, तो 12 × 25 कितना हो गया आपका 300, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर दी, कप्तान जब शामिल हो गया तो उसकी औसत आयु कितनी बढ़ जा रही है आपकी, एक वर्ष बढ़ जा रही है, यानी कि कितना हो गया 26 और ये कितना हो गया आपका 13, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 38 वर्ष, ये आपका आंसर आपका 38 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको करना है इसको ट्रिकी मेथड से करना है, तो 25 वर्ष है बढ़ जा रही, तो कितना हो गया 26 वर्ष हो गया, ठीक है, और क्या कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों का औसत, 12 खिलाड़ियों में कितना एक खिलाड़ी बढ़ा है, तो प्लस 12 × 1 ये कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 38, और चाहे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है, इसमें क्या है आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन अगर बेसिक कभी कभी अगर जैसे ट्रिकी मेथड भूल जाते हैं तो उस केस में आपका बेसिक मेथड बहुत काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ₹500 कामगारों की औसत मजदूरी ₹200 थी, क्वेश्चन आपका इस तरह से, 500 कामगारों की औसत मजदूरी जो थी कितनी थी, ₹200 थी, यानी कि 500 जो बाद में पता चला कि वो मजदूरी क्रमशः 80 है ना, जो कामगार जो काम करने वाले, तो मजदूरों मजदूरी जो होती क्रमशः 280 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई गलती से, सही औसत मजदूरी आपको निकालना है, आपको चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप इसमें से ऑप्शन आपका बता सकते हैं क्या होगा, कहने का मतलब 500 कामगारों की औसत मजदूरी कितनी थी ₹200, ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसको ट्रिकी मेथड से करिए ज़्यादा बेटर है, कि वैसे कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको ₹200 थी 500 कामगारों की मजदूरी, ठीक है, कहने का मतलब है अब ये क्या हुआ है कि पहले कितना बात हुई थी कि 80 और 220, यानी कि 80 और 220 के स्थान पर कितनी पढ़ ली, गलत पढ़ ली गई है, 180 और 20 पढ़ ली गई है, तो 80 क्या करेंगे, 80 प्लस कितना हो जाएगा आपका 220 माइनस 180 माइनस 20, ठीक है, कहने का मतलब है पढ़ना कितना था आपका 80 और प्लस 220 पढ़ना था, तो बढ़ी कितनी मजदूर और पढ़ कितनी ली गई 180 और माइनस 20 पढ़ ली गई है, ठीक है, तो कहने का मतलब जो एक्चुअल एज एक्चुअल पैसा कितना था आपका, इसको इससे प्लस करेंगे तो कितना था, यानी कि ₹300 आपको मिलना था, और उसमें पढ़ कितना लिया गया है आपका 180 माइनस, यानी कि कितना पढ़ा गया है आपका ₹200, क्या कर देंगे इसको कम कर देंगे, और डिवाइड कितने का एवरेज निकालना है 500 कामगारों का औसत है, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे आपका 500, ठीक है, और क्या करेंगे 200 प्लस कितना हो जाएगा 100 / क्या हो जाएगा आपका 500, इसको और इसको क्या कर देंगे आप कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा 200 प्लस 0.2, यानी कि आंसर आ जाएगा 200.2, क्वेश्चन आपका आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 200.2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, 500 कामगार यानी कि 500 वर्कर जो थे उनकी औसत आयु कितनी थी ₹200 थी, यानी कि जो औसत आयु जो उनके कहने का मतलब ₹200 पे जो है 500 का, यानी कि ₹200 पे इनको क्या कर दिया गया, तय किया गया, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ₹200 पे इनको तय किया गया,
और क्या किया गया है कि पहले जो उनकी मजदूरी थी वो कितनी थी आपकी 80 रुपये और 220, लेकिन उनके स्थान पर गलती से क्या हुआ कि 180 और 20 पड़ लगी, यानी कि दो सीधा सीधा कम हो गई है। यानी कि पहले मजदूरी हुई थी कितना आपकी 80 रुपये और कितना हुई थी आपका 120 रुपये, तो उसकी जगह कितनी पड़ ली गई है आपकी, सॉरी यहाँ पर आपका 220 रुपये है, तो आप इसको 220 कर लीजिए, 80 और प्लस 220 थी, और उसको चेंज करके बाद में गलती से कितनी पड़ गई है जाके आपके 180 और 20, तो इसमें से क्या कर देंगे इसको और इसको क्या कर देंगे आपका माइनस कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप इसको, तो आपका आ जाएगा 200.2, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर आ गया, एक बार समझ फिर से आपको अगर कोई दिक्कत हो आप इसमें देख लीजिए एक बार फिर इसको। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज का। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत कितना था, 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत कितना हो जाए, 4 अधिक हो जाए। क्वेश्चन इस तरह से है आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारी, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसकी 10 पारी, यानी कि 10 पारी में उसका औसत कितना था, उसका 32 रन था, 32 था, कोई बनाया हुआ कुछ रन बनाए होंगे, यानी कि 320 रन बनाए होंगे लगभग, तो उसको कितना औसत हो गया आपका, 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत कितना हो जाए आपका, 4 अधिक हो जाए। तो आपके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 76, 74, ठीक है, और इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बता सकते हैं क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्या है, औसत कितना था आपका, 32 था, सीधा सा कर लेंगे इसको, औसत रनों का औसत कितना हो जाए, 4 अधिक हो जाए, तो क्या कर देंगे प्लस क्या कर देंगे इसमें, 4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 36, ठीक है, 36 कर देंगे। और कितने पारियों का औसत, 10 पारियों का औसत कितना था आपका, 32 था, तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका ट्रिक है उसके रनों का औसत कितना हो जाए, 4 अधिक हो जाए, ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 × 4, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 40 बराबर कितना आंसर हो जाएगा आपका, 76, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत, 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, तो कितना ऐड कर देंगे, 4 अधिक हो जाए, तो 32 में क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, और 10 पारियों का औसत है तो उसमें भी 4 रन बढ़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, 76 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाए, ए आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो आपके एवरेज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी और आते ही आते हैं, ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एवरेज के वीडियो में लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हैं। और आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, नमस्कार।